जनपद में गंगा करीब 3 से 4 बार बढ़ने के बाद घटी, लेकिन पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में करीब 10 से 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही जलस्तर में वृद्धि से गाजीपुर में एक बार बाढ़ आने की आशंका बढ़ चुकी है। और यदि आज शाम 5 बजे के आंकड़ों की बात करें तो गंगा 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते हुए खतरे के निशान के बिल्कुल पास पहुँच चुकी हैं। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र में गंगा के जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ का कहर जारी है। उपनाती गंगा ने निचले और तटवर्ती इलाकों के करीब 0.5 दर्जन गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ के पानी के कारण किसानों की सैकड़ों बीघे की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। बाढ़ का पानी प्रमुख मार्गों पर हिलोरे ले रहा है। रेवतीपुर से गहमर की ओर जाने वाला 7 किलोमीटर लंबा बाईपास मार्ग भी बाढ़ के चपेट में आ चुका है, जिससे कई स्थानों पर पानी चढ़ गया है और आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। अब राहगीरों को रेवतीपुर से उतरौली भदौरा होते हुए लगभग 25 किलोमीटर अधिक की दूरी तय करनी पड़ रही है, ताकि बिहार और गहमर पहुंचा जा सके। बाढ़ के पानी से जानवरों को चारा और उनके रहने की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। ग्रामीण बाढ़ की चपेट में आने से काफ़ी भयभीत है। कई गांवों के किनारे बने घर और झोपड़ियाँ भी पानी से घिर गए हैं और पानी अब गाँव की गलियों में घुसने लगा है। इससे लोगों ने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। बाढ़ से प्रभावित गाँव जैसे नसीरपुर, हसनपुरा, नगदिलपुर, बिरहुपुर, दुल्लापुर और परमानंदपुर के छात्र सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल जाना भी छोड़ चुके हैं।